कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। सोमवार देर रात ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र नूरनगर निवासी मोनू के घर में बंधी गाय को गोगशों ने चोरी कर रेलवे लाइन के पास ईरा गार्डन की दीवार के पीछे काट दिया। इस दौरान रेलवे लाइन से गुजर रहे एक राहगीर ने गोकशी कर रहे आरोपियों को टोका तो आरोपियों ने राहगीर को गोली मारने की धमकी दे दी। इसके बाद राहगीर शोर मचाता हुआ घटनास्थल से भाग गया। शोर सुनकर आसपास के लोग और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सहित आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन गुर्जर भी घटनास्थल पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। जानकारी मिलने पर CO ब्रह्मपुरी सुचिता सिंह भारी फोर्स के साथ पहुंची और हंगामा कर रहे हिंदू संगठन के लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। इसके बाद घटनास्थल पर JCB को बुलाकर गोवंश के अवशेषों को दबाकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आज अभी मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि जो नूरनगर का हमारा यहाँ पटरी है थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में, जानकारी मिली थी कि गाय को यहीं से एक किसान है, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनकी गाय को खोलकर कुछ लोगों ने काट दिया है। ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई, उस सूचना पर मैं यहाँ आया हूँ। हम लोग देख रहे हैं कि लगातार गोवंश सड़कों पर फिर रहे हैं और गो हत्यारों के हौसले बुलंद हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम और गाय के नाम पर बन करके आई है, ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि गौमाताओं के सुरक्षा व्यवस्थाओं के इंतजाम में पूर्ण रूप से फेल हैं और आए दिन ये चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ लोगों से ये मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करते हैं कि आप सिर्फ कागजी कार्रवाई ना करें, वहीं से निर्देशित ना करें, अपने क्षेत्र में जो जिलों में ये आए दिन घटनाएं हो रही हैं, सड़कों पे गोवंश मर रहे हैं, ये गो हत्यारों के जो हौसले बुलंद हो रहे हैं उसको लेकर के कठोरतम कार्रवाई करें और ये सुनिश्चित करें कि ये तो खैर पालतू गाय थी, खोल के काट दी गई, लेकिन कुछ बेसहारा गोवंश भी जो आए दिन सड़कों पर घूम रहे हैं। और किससे क्या पता लगा कि कौन लोग थे? क्योंकि अभी इसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जैसा कि अभी बताया, जो हमारे परिचित हैं जिनकी गाय खोली है, उन्होंने अभी बताया कि कुछ व्यक्तियों ने इस तरह की घटना की, तब वो यहाँ आए तो वो मौके से फरार हो गए और हमें उम्मीद है कि जल्द पुलिस प्रशासन घटना का खुलासा करेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।